फैज़ल खान एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र पढ़े। मेरी अहिंसा वो है जिसमें सब कुछ है। मैं ऐसा अहिंसक नहीं हूँ कि मैं सब कुछ देखता रहूँ और मैं चुप हूँ। मैं अहिंसा ही को, अहिंसा का मतलब है इंसानों के लिए बेचैन रहना, इंसानियत में इक्वेलिटी आ जाए, इंसान इंसान पे जुल्म करना बंद कर दे, इनके लिए जो काम करने का रास्ता, ये कहीं ना कहीं अहिंसा है। खुदाई खिदमतगार की एक ओथ है हमारी, मैं अहिंसा, वो हम ओथ उसको बताते हैं और फिर वो अगर उससे एग्री होता है तो हम कहते हैं कि आप खुदाई खिदमतगार भाई आप बन गए, लेकिन अब आप कुछ दिन तक जरा अपने आप को ठीक करने का काम करो। और अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप, हम तो ईश्वर ही को नहीं मानते हैं, तो मैंने कहा फिर आप अपने को इंसानियत से जोड़ सकते हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि खुदाई खिदमतगार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदाई को नहीं मानते हैं, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक जहन के लिए, लेकिन नाम का असर भी बहुत पड़ता है। तो खुदाई खिदमतगार का मतलब है कि जो हम ये सर्विस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, इसका एक तो हम इसका कुछ बदला नहीं चाहते, हम खुदा के लिए कर रहे हैं तो खुदाई से हम इसका बदला लेंगे, और दूसरा खुदा की मखलूक की खिदमत ही खुदा की खिदमत। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुलसीदास भी कहते हैं रामचरितमानस में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के काम आने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुंभ में भी हमने पर्चे छाप लिए थे राम राज को लेके, और छोटे छोटे पर्चे हमारे पास थे, कुछ किताबें थी गांधी से रिलेटेड, तो वो लेके हम लोग करीब 9-10 लोग वहाँ गए, तो वहाँ एक साधु महाराज थे, उन्होंने हमें ठहरने के लिए दिया, बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा, और उन्होंने वहाँ पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, कुछ अखबारों को बुला के इतने खुश हुए कि देखिए ये लोग नौजवान आए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सुबह वहाँ निकल जाते थे, अपने पर्चे बांटते थे और सड़कों पर जो गंदगी पड़ी होती है उसको साफ करते थे। विनोबा भावे से पूछा कि आपका क्या काम है, आपका मुख्य काम क्या है, उन्होंने कहा करुणा पैदा करना। तो अगर हम धार्मिक काम का मतलब कम्युनल हारमोनी की रैली निकालना नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ये करना नहीं है, एक दूसरे को का दर्द एक दूसरे में पैदा कर दें। देखने में भी मैं मुसलमान लगता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे कुछ और समझ के मेरी बात सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं करते हैं। एक तो आपके अंदर उनका दर्द हो, आप सच्चाई में उनसे प्यार करते हो, और दूसरा फिर आप अपनी बात कहने का अगर आप ढंग देखें और उसमें करुणा हो, उसमें मोहब्बत हो, उसमें दर्द हो, तो मुझे लगता है नौजवान सुनेंगे। और आज के नौजवान आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक तरफ तो नफरत भी फैल रही है, लेकिन ऐसे ऐसे नौजवान भी हैं जब वो ऐसा लिखते हैं कि आप, आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे और आपको लगेगा। मैं ऐसे सैकड़ों हिंदू नौजवान, सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को जानता हूं जो आज भी इस देश में अमन और मोहब्बत के लिए अपनी जान की, हो सकता है वो किसी दफ्तर में बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी MNC कंपनी में बेंगलोर में हो, हो सकता है वो किसी डॉक्टर हो, कहीं इंजीनियर हो, लेकिन उनके जज्बे मोहब्बत को मैं जानता हूँ कि वो अपनी जान देने को भी तैयार है हिंदू मुस्लिम या इंसानों इंसानियत के बढ़ावा देने के। धर्म का सही आप बताइए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन, केवल दूसरी कोई चीज श्री राम को प्यारी नहीं। तो मोहब्बत का मकसद भी हम बताएंगे। इस्लाम ने भी यही कहा, खैरुन नास मैं यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है मैं यनफउन नास, जिससे इंसानों को फायदा। प्रॉफिट मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि जो टोपी लगाए वो सबसे बढ़िया है, जो नमाज पढ़े वो सबसे बढ़िया है, आपने कहा खैरुन नास, सबसे बढ़िया इंसान वो है मैं यनफउन नास, जिससे इंसानों को सबसे ज्यादा फायदा। तो अगर आप धर्म का भी सही मानी बताओगे, हमारा उस यात्रा का टॉपिक ही था हिंसा मुक्त भारत साइकिल यात्रा, नफरत व हिंसा मुक्त भारत साइकिल यात्रा। राजघाट से शुरू हुई थी और हैदरी बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जिसमें गांधी जी ने अहिंसा हिंसा का मुकाबला अहिंसा से किया है। और मैं मंदिरों में रहता था, मैं पूछता था मंदिरों में, मैं कहता था असली रामराज चाहिए या नकली, तो वो कहते थे असली रामराज क्या है, मैं कहता था असली रामराज तुलसीदास ने बताया, बैर काहू संग न कोई,
राम प्रताप विषमता खोई। असली राम राज में नफरत नहीं होगी और गैर बराबरी नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब माहौल अच्छा है, लेकिन आप क्यों उसमें, आपको क्यों सफलता नहीं मिल रही है, ये तो हम सबको अपना इसमें जायजा भी कभी लेना लेना चाहिए।